आ गया भाई आ गया। अबे शहनाज के इंटरव्यू का फाइनल राउंड आ गया यार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शहनाज बाबा, जिसके चीफ एडिटर फाउंडर मालिक साहब का नाम है जोरावर। तो यार सीधी बात, नो बकवास, आओ देखते हैं शहनाज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे। और शहनाज ने बहुत जैसा बिग बॉस में जवाब देती थी आज भी बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया है। पहला क्वेश्चन, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बॉन्ड कैसा है? शहनाज ने बोल दिया सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वैसा ही बॉन्ड है, वैसा ही बॉन्ड रहेगा, 7 जन्मों तक रहेगा। ये नहीं कहा बस, उसने कहा जैसा मेरा बॉन्ड बिग बॉस में था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, वैसा ही मेरा बॉन्ड है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ और मैं बहुत प्यार करती हूँ सिद्धार्थ शुक्ला से। दूसरा क्वेश्चन, भुला दूंगा के कमेंट 1.2 मिलियन हो गए, आपको कैसा लगता है? उसने कहा फैंस ने बहुत सपोर्ट किया, फैंस बहुत प्यार करते हैं, फैंस को बहुत अच्छा लगता है शहनाज और सिद्धार्थ को देखना, और भुला दूंगा बहुत अच्छा गाना है और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे सॉन्ग पर 1.2 मिलियन कमेंट आए हैं। सिद्धार्थ भाई के क्वेश्चन धड़ाधड़ आए, धड़ाधड़। बिग बॉस में अपने आप को कितने मार्क्स देना चाहोगे अगर खुद जज करो तो? तो शहनाज ने कह दिया 10 out of 7, क्योंकि उसने कहा मुझसे कुछ गलतियां भी हुई हैं और वो गलतियां मैं बता देता हूं। एक तो वो पारस के पास जाके बार बार उसको वही गंदी बातें कहना, लव यू लाइक यू, वो दूसरी बात फाइनल राउंड में आके शादी वाला शो वो कर लेना, इसलिए उसने रिग्रेट फील किया शहनाज ने और बोला कि मैंने भी कुछ गलतियां करी हैं जो कि उसकी भरपाई मैं अब नहीं कर सकती। आप अपने दादा दादियों से, दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं और क्या आपकी दादी आपको फ्लैट लेकर देगी? तो शहनाज ने कहा हाँ मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी दादी ने ही बचपन से मुझे पाला है, मुझे बहुत पैम्पर करती थी और दादी, और उन्होंने कहा मैं सारे बुजुर्गों के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये बात मेरे को पहले से पता है शहनाज की, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं भी ऑलवेज बुजुर्गों के साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ, पता नहीं यार कैसी आदत है, बट हाँ बुजुर्गों के साथ बैठना अच्छा लगता है शहनाज को। और शहनाज ने जाते जाते कहा कि मेरी दादी मुझे फ्लैट नहीं दिलाएगी यार कभी भी, ठीक है। डाइट प्लान, तो शहनाज ने कहा डाइट प्लान के ऊपर क्या बोलना चाहते हो? शहनाज ने कहा यार डाइट प्लान तो करना ही पड़ेगा बॉलीवुड में आई हूं तो। बट शहनाज ने कहा जब मैं बिग बॉस में थी तो मेरा वेट 67 था, जब बिग बॉस से बाहर आई तो 63 था, नाउ आई एम 59। तो कितना वेट लूज हो गया भाई? 8-9 किलो वेट लूज कर दिया है लड़की ने, ठीक है, बहुत मेहनत कर रही है। और उसने कहा अगर आपको कुछ खाने का मन करे, फूडी मन है, तो फिर ये जीभ को ऐसे ऐसे करना है, उसने कुछ ऐसे कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मस्त क्वेश्चन, आपका ड्रीम मैन कैसा होगा? उस बंदी ने बिना सोचे सांस तक नहीं ली, उसने कहा यार सिद्धार्थ शुक्ला जैसा होगा, और क्या होगा, सिद्धार्थ शुक्ला ही है मेरा ड्रीम मैन और वैसा ही होगा, एंड आई लव सिद्धार्थ शुक्ला एंड आई वांट टू मैरी सिद्धार्थ शुक्ला, सीधी बात है। और शहनाज को क्वेश्चन पूछा गया जब आपके फैंस आपको शहनाज को लेके वीएम बनाते हैं या कुछ भी आपका नाम लिंक्ड अप करते हैं तो कैसा लगता है? तो शहनाज ने कहा मुझको अच्छा भी लगता है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे को जानते हैं यार, मेरे को अच्छा लगता है किसी के साथ अगर आपकी जोड़ी को पसंद किया जाता है तो फैंस उसको लेके प्रमोट करते हैं, जो भी करते हैं मस्ती मजाक करते हैं और मेरे को अच्छा लगता है, शहनाज ने सीधा सीधा बोल दिया मुझे अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन पूछा, सिद्धार्थ शुक्ला को मिस करती हो क्या? तो शहनाज ने कहा हाँ सिद्धार्थ शुक्ला को मिस करती भी हूँ और नहीं भी, क्योंकि जब भी मेरा मन करता है मैं उसको कॉल कर लेती हूँ, लॉकडाउन के बाद एक दो बार मिले भी। अरे बहन क्यों झूठ बोल रही है, तू उसके घर में रहती है यार, मस्ती चल रही है क्या यहाँ, हम पागल थोड़ी है, दुनिया पागल थोड़ी है। और शहनाज ने कहा मैं कॉल कर लेती हूँ अगर मेरे को कभी भी उसकी याद आती है या वो कॉल कर लेता है, हम रोज तो नहीं मिलते बट हाँ लॉकडाउन के बाद हम एक दो बार मिले हैं। अरे 6 बार तो हम प्रूफ दे सकते हैं यार, तुम मिले हो, तुमने 2 बार बोला, चलो ये तो शहनाज की बात थी, ये तो दुनिया को वाली बातें घुमाने वाली है। समाज में
आजकल गंदगी फैलती जा रही है। तो शहनाज ने कहा, शहनाज ने सीधे वर्ड्स में कहा कि समाज कलयुग चल रहा है, ऐसा हाल हो गया है कि अगर किसी का भला करो तो वो सोचता है कि ये हमसे कुछ चाहता है, किसी का बुरा करो तो वो सोचता है कि यार इसके मन में खोट है। तो शहनाज ने कहा कुछ मत करो, किसी का मत करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा हर बंदा अपने काम से मतलब रखता है, हर बंदे को अपने उससे लेना देना है, कोई किसी का वो नहीं है, ना कोई किसी का सगा है, ना कोई किसी का वो खास है। ठीक है, फाइनल एंड लास्ट में जाते जाते गाना सुना दिया शहनाज ने, तो मैं भी सुनाऊंगा यार गाना, डोंट वरी। शहनाज ने कौन सा गाना सुनाया? इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब न जाऊं। अबे यार ये जब गाना गाते हैं ना, इतनी मोहब्बत करोना, इसमें जो करोना का नाम आता है ना, तो मेरे को करोना की याद आ जाती है, इसलिए मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा शहनाज का, बहुत अच्छा लवली, और अपने इंटरव्यू में उसने दोबारा साबित कर दिया शी लव सिद्धार्थ शुक्ला। शहनाज वालों अब तो खुश हो जाओ कम से कम, अब मत रोना मेरे सामने प्लीज। हाँ, और शहनाज के साथ लोनावला सिद्धार्थ भाई गए थे, इसका प्रूफ चाहिए तो मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, लव यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय टाटा गुड नाइट, और अपना ध्यान रखना, बाय बाय।